हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जीके के 10 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसी के अंदर आपको राइट आंसर बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हाथी का, ऑप्शन बी जिराफ का, ऑप्शन सी ऊंट का या फिर हिप्पो का। तो दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है हिप्पो, जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या फिर टोक्यो। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है टोक्यो शहर, विश्व का सबसे आबादी वाला शहर माना जाता है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह या फिर नेपच्यून। अगर आपको पता है तो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है यानी कि सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि। अगर आपको पता है तो राइट आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। एंड दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है हिप्पो, हाथी, लकड़बग्घा या फिर डॉल्फिन। फ्रेंड्स, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है डॉल्फिन, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी। फ्रेंड्स, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? आपके ऑप्शन है उपचयन या संयोजन या फिर अपचयन या फिर विस्थापन। फ्रेंड्स, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1869 में, 1869 में, 1879 में या 1889 में। फ्रेंड्स, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है अकबर ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल ने या फिर शाहजहां ने। दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है तमिलनाडु को, केरल को, बेंगलोर को या फिर मुंबई को। दोस्तों, इसका राइट आंसर है मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। दोस्तों, ये थे आज के जीके के 10 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के नॉलेजेबल क्वेश्चन या आंसर वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।